महा कार्टून टीवी। दो छोटे भूत। जामनगर गांव के बीच एक कई साल पुराना बरगद का घना पेड़ था, जिस पर चिंटू और बंटू नाम के दो छोटे भूत रहा करते थे। दोनों बहुत ही शैतान थे। जब भी दोनों को गांव में जाने का मौका मिलता तो दोनों वहां जाकर गांव वासियों को परेशान किया करते। कभी वो उनका खाना चुरा लेते तो कभी कोई चीज उन्हें पसंद आने पर उसे अपने पास रख लेते। एक दिन यूं ही दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। भाई, हमें ये काम करते काफी समय हो गया है। हमने इतने पाप कर लिए हैं कि अब हमें कभी भी मोक्ष नहीं मिल पाएगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जब से हम दोनों एक साथ भूत बने हैं, तब से हमने इन गांव वालों को बहुत ही परेशान कर रखा है। अब मैं भी थक गया हूँ ये सब करते करते। मुझे भी अब आम लोगों की तरह ही रहना है। क्यों ना अब हम अच्छे काम करने लग जाएं? क्या पता हमें ये करने से जल्दी मोक्ष मिल जाए। मगर कैसे? हम किसका भला कर सकते हैं? अगर हम गांव वालों की गरीबी दूर कर दें, तो हो सकता है कि ये हमारे अच्छे कामों में शामिल हो जाए। हाँ, पर ऐसा क्या करें? हम ऐसा करते हैं कि हर एक गांव वाले के घर में एक सोने के सिक्के से भरी मटकी रख देते हैं। ऐसा करने से कोई भी गांव वाला गरीब नहीं रहेगा। उसी रात दोनों छोटे भूत एक गांव वाले के घर में सोने के सिक्कों से भरी एक मटकी रख देते हैं। अगली सुबह जब गांव वालों की आंख खुलती है तो सभी अपने घरों में रखी मटकी को देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ ही समय में गांव में छोटी झोपड़ियों की जगह बड़े बड़े मकान ले लेते हैं। सभी गांव वाले ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। ये सब देख दोनों भूत एक दूसरे से बात करते हैं। देखा, हमारा तरीका काम आया ना? अब कोई भी गांव वाला गरीब नहीं रहा। सबके पास अब पक्के मकान, अच्छे कपड़े और खाने को भरपूर खाना है। हाँ, अब जल्द ही मोक्ष मिल जाएगा और हम भी इंसानों की जिंदगी जीने लगेंगे। दोनों भूत हर रोज गांव जाते और देखते कि गांव वाले कैसे रह रहे हैं। एक दिन दोनों गांव में चक्कर लगा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि गांव में कोई चहल पहल नहीं है, सब शांत पड़ा हुआ है। तब दोनों सबके घर में जाने की सोचते हैं। चंटू, गांव तो बड़ा ही शांत है। इससे पहले तो कभी इस गांव को ऐसे नहीं देखा। हर कोई किसी न किसी से बात करता ही रहता था। बच्चे हमेशा खेलते हुए ही नजर आते थे। हाँ, इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम अलग अलग घरों में जाकर देखते हैं कि बात क्या है। जब दोनों भूत गांव के हर एक घर में जाकर देखते हैं तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि किसी घर में कोई शराब पीकर पड़ा हुआ है, कोई जुआ खेल रहा है, तो कोई काम पर ना जाकर आलस में ही घर पर आराम कर रहा है। यहाँ तक कि घरों के बच्चों ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया है। ये सब नजारा देख दोनों भूत बाहर आते हैं। ये हम दोनों ने क्या कर दिया? हमने तो अच्छा करना चाहा, लेकिन ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हर घर का नजारा बड़ा ही दयनीय है। घर की महिलाएं ही इन सब से ज्यादा परेशान हो रही हैं। घर के बच्चे और आदमी अपने मन का कर रहे हैं और औरतों की बात तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। हमारे इस कदम से गांव वाले एकदम आलसी हो गए हैं। अच्छा करना चाहा, लेकिन हमने तो एक और गलत काम कर दिया। अब क्या करें? ये जो गलती हम दोनों से हो गई है, इसे अब हमें ही सुधारना पड़ेगा। दोनों भूत अपनी गलती पर अफसोस करने लगते हैं और जो गलती दोनों से हुई उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तब चंटू को एक समाधान सूझता है। क्यों ना सोने के सिक्कों से भरे सारे मटके हम गायब कर दें? ये करने के बाद गांव वाले फिर से वही जिंदगी जीने लगेंगे जो वो पहले जी रहे थे। शायद तुम सही कह रहे हो, हमें यही करना चाहिए।
गलती का एहसास होते ही चंटू और बंटू उसे ठीक करने के लिए निकल जाते हैं। रात के अंधेरे में दोनों घर घर जाकर सारे सोने से भरे सिक्कों के मटके गायब कर लेते हैं। अगली सुबह होते ही जब गांव वाले देखते हैं कि उनके मटके गायब हैं, तो वो काफी हैरान होते हैं, जिसके बाद गांव वालों के पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय घर के बाहर निकलने के। वो दोबारा अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब चंटू और बंटू गांव जाते हैं तो वो देखते हैं, अरे वाह, हर कोई अब अपने अपने काम पर लगा हुआ है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, घर के पुरुष मेहनत का काम कर रहे हैं और स्त्रियां घर को अच्छे से संभाल रही हैं। ये सब देख दोनों भूत बहुत ही खुश होते हैं और उसके बाद से दोनों भूत गांव में आना बंद कर देते हैं। कुछ ही समय बाद दोनों के अच्छे काम से उन्हें मोक्ष मिल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुफ्त में मिला हुआ धन हमेशा आलस और जलन ही पैदा करता है, इसीलिए हमेशा धन को कड़ी मेहनत से ही कमाना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।